और वो भी पाकिस्तान में अगर बेचारे मिडिल क्लास की बर्थडे हो रही होती है उस पर छापा पड़ता है, अमीर की नहीं पड़ता कभी भी। इकरार उल हसन भाई माफ कर दो ना यार, माफ कर दो सर। भाई आज मैं वकार जका के साथ हूँ और ज़िंदगी में पहली दफ़ा इनके साथ एक्चुअली टाइम स्पेंड करने का मिल रहा है, जहाँ इनके ना फैन बेस चलते हुए आए कि वकार भाई फटो के जमाने। वैसे मेरी मैं ये कहूँगा, जब भी आप देखते हैं ना, ये एक एक ड्रॉबैक होता है आर्टिस्ट ज़रा बहुत मशहूर हो कि आप मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। ये बहुत दफ़ा हुए रेहान भाई, एक दफ़ा मिले थे, मैंने बड़ी कोशिश की बात करने की, लेकिन दोनों का भाई प्रॉब्लम है कि वो बस पब्लिक आ जाती सेल्फी खिंचाने, उस चक्कर में जो है ना वो दूसरे को ये भी नहीं देखता, बंदा खाना खा रहा है क्या कर रहा है, नहीं नहीं आप बस हमारी सेल्फी ले लें, हमारी जिंदगी बन जाए आप भाड़ में। आधे लोग ऐसे भी हैं जो आगे क्लिक करते हैं और बस चले जाते हैं, और ये नहीं पूछे सलाम दुआ कैसे हाल, कुछ नहीं है। आप आजकल शो कर भी रहे नहीं कर रहे। अच्छा जी, आज हम टेस्ला के शोरूम पर हैं और हम गाड़ी को सुपर चार्जर पर ला के लगाए, पहली दफ़ा मैंने अकेले खरीदी है, मैंने पता है नहीं नहीं खरीदी हुई है, ये हमारे एक दोस्त थे वो हमें मिले, उन्होंने गाड़ी की चाबी दी, उन्होंने कहा ले जाओ, मैंने कहा वाह भाई कितनी देर के दोस्त थे, वकार के दोस्त। नहीं नहीं दोस्त आपके भी बन गए, लेकिन मुझसे 48 आवर्स पहले मिले और वो गोरे का इतना इंटरेस्ट था कि उसने पहले देखा कि यार फॉलोअर्स चलो हैं लेकिन अच्छी दोस्ती हो गई उससे, उसके अपनी कोई कॉन्फ्रेंस थी, उसने अपनी की नोट स्पीकिंग के लिए भी बुलाया, तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने जब उसे ये बताया ना कि भाई मैं पाकिस्तान को लैंड ऑफ इंजीनियर्स के तौर पर प्रमोट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ उन इंजीनियर्स को काम मिले, तो वो बहुत खुश हुआ, उसने यार मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, आप की नोट स्पीकिंग भी करें आए भी। और रेहान भाई मिले होंगे कोई उससे 2 घंटे पहले, उन्होंने ये चाबी जाइए ना लाओ दो चलो, इन्होंने बताया कि भाई वो पाकिस्तान में होता है, ना में हाँ हाँ में ना, और अब बंदा पूरा टाइम जाया कर रहा होता है, लेकिन मैंने अभी मान लिया कि उस डच ने यूं गाड़ी दी और हम आगे 2 घंटे की दोस्ती में हम टेस्ला 2.5 करोड़ नहीं, उसने शक्ल देखते ही कहा वुड यू लाइक टू ड्राइव माय टेस्ला, आई सेड आर यू श्योर, ही सेड यस, आई सेड ओके आई विल ड्राइव नो प्रॉब्लम, तो डू यू हैव अ लाइसेंस, ऑल ही आस्क्ड वाज डू यू हैव अ लाइसेंस, आई सेड यस आई हैव अ लाइसेंस, सो उसने मुझे गाड़ी दे दी, चाबी दे दी, फिर हमने आधा पौना घंटा उसके साथ चलाई, और फिर एक मैंने उसको बताया कि मैं एक डिसेबल्ड पीपल के लिए एक छोटा सा 30 एकड़ के ऊपर शहर बना रहा हूँ, तो उसने कहा मेरा एक दोस्त है उसने ही बनाया, तो हम अब उसको देखने जा रहे हैं। तो ये टेस्ला का शोरूम भी है, टेस्ला का सुपर चार्जर स्टेशन है जिसके बारे में मैंने बहुत सोचा था, यहाँ पे 40 मिनट में पूरी गाड़ी चार्ज हो जाती है। जो मॉडल एक्स है इसकी मैं पहले वीडियो बना के रिलीज़ कर चुका हूँ, आप यूट्यूब पर जाके देखें, इट्स अ वेरी वेरी नाइस कार, रियली प्यारी, बहुत प्यारी गाड़ी है। डेफिनेटली आप लोगों ने अगर अभी तक टेस्ला नहीं चलाई है तो एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें, जब भी मुल्क से बाहर जाएं सारी लाइन से टेस्ला खड़ी हुई है। ये मॉडल एक्स है, ये मॉडल एस है, अब ये मॉडल 3 आ रही है जो कि $30,000 यानी 35,000 अकॉर्ड की प्राइस की है तकरीबन, और दिस इज़ टोटली इलेक्ट्रिक, फुल इलेक्ट्रिक गाड़ी है और ख़ुद आप इसको नेविगेट करके चला सकते हैं। मैंने गाड़ी को चार्ज पर लगाया हुआ है, ये इसका रिमोट है और मैंने बटन दबाया था, हाँ भाई खुल गया, साइड वाले बटन दबाने, मतलब मुझसे पूछे यार हमारी जो गाड़ी है इसके दरवाजे कैसे खुलेंगे, और इस तरह वाले ये भी खुल गया। मुझे सबसे खुशी हो रही है ना आज रेहान भाई से मिलके, क्योंकि इनसे मैं 4-5 साल पहले मिला था, ये बहुत प्लान नहीं पहले कभी नहीं, 4-5 साल पहले जो इंटरेक्शन हमारा फेसबुक पे हुआ है वो सोशल वर्चुअल मुलाकात, जब आप रोहिंजा के पास जा रहे थे तब हुआ था पहली दफा, यूएसए में मिले थे, यूएसए में सबसे पहली बार कॉल पे उस वक्त आपका प्लान था वहाँ जाने का, हाँ तो बेसिकली आप बता रहे थे मैं ऐसे जाऊँगा ऐसे जाऊँगा, हाँ, प्लान कर रहा था मैं, तो इनसे बात हुई तो उस वक्त से लेके जब भी मिले तो मुझे काफ़ी प्लान इनकी और फुल ऑर्गेनाइज लाइफ थी, आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने थोड़ी अनऑर्गेनाइज लाइफ नहीं बहुत दिक्कत पड़ा था, और अब ये आज इन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई जिसकी वजह से मैंने ज़बरदस्ती ट्रैवलिंग इनके साथ करूँगा, और वो है कि अब ये कह रहे हैं कि अब मैं अनप्लान लाइफ जीऊंगा, मैंने जी ली जितनी जी रहा हूँ काफ़ी दिन से जी रहा हूँ, अब आप मेरे साथ हैं आज आप मशरूम भी ट्राई करेंगे, हाँ वो कर रहे हैं, ये बड़ी हर्बल चीज़ें बड़ी ज़रूरी है एम्स्टरडैम आके, और अब आज से रेहान भाई को हम पार्टी में भी ले, आप पार्टी के क्लबिंग डिपेंड करता है देखने में क्या है, देखें एक्सपीरियंस का तो कोई वो नहीं है ना भाई, आप देखें आप कितना सपोर्ट करते हैं माइनॉरिटीज़ को भी, हर एक एक्सपीरियंस ले लेते हैं, ये आज एक्सपीरियंस होगा आज आपको क्लब लेके जाएंगे, सही
डन हो गया, बंद ना करवा देना बस बाकी। क्लब क्लब पाकिस्तानी क्लब थोड़ी ना छापा पड़ेगा। अच्छा, और वो भी पाकिस्तान में अगर बेचारे मिडिल क्लास की बर्थडे हो रही होती है उसमें छापा पड़ता है, अमीर की नहीं पड़ता कभी भी। इकरार उल हसन भाई माफ कर दो ना यार, माफ कर दो इस। मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं। हमने आज टेस्ला की ड्राइव ली और हमें बड़ा मज़ा आया है। आपकी फीलिंग कैसी है? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आपने टाइम दिया, सारा दिन तकरीबन वी स्पेंड टुगेदर, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप एक स्वीट इंसान है अंदर से, बहुत खूबसूरत इंसान है अंदर से। अरे नहीं, शुक्रिया। और बाहर वाला जो इंसान है उसको, अंदर वाले इंसान को बाहर आने दें जाके, वो भी लोगों के सामने जो एक कैरेक्टर आता है वो ना आए, बल्कि असली वाला जो वक़ार ज़का है उसको बाहर निकाली। वो बहुत अच्छा मिलनसार, मोहब्बत करने वाला प्यारा स्वीट हार्ट है। और मैंने आपको बहुत तंग किया पिछले 3 दिन में आपको बार बार मैंने कहा यार आज मिल लो कल मिल लो। नहीं नहीं, आप तो बहुत प्यारे इंसान हैं और मुझे बहुत इंटूट, तो मैं उसके लिए भी माजर खाता हूँ। आप बड़े हमारे मुल्क के एसेट हैं, सेलिब्रिटी हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, जानते हैं। और मेरी बस एक दिल की आरज़ू है कि आप जिस तरीके से बिटकॉइन को और ब्लॉकचेन को पाकिस्तान की प्रमोशन के लिए प्रमोट कर रहे हो, बिल्कुल उसी तरह से आप और चीज़ें भी प्रमोट करें। इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ है ना वो ऑनेस्टी है, सेकंड चीज़ जो है वो टाइम कीपिंग है। हम जब फंडामेंटल्स ठीक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली, जब हम जैसे नीचे खड्डा सही खोदेंगे तो पौधा ऊपर, बुनियादें अच्छी करेंगे तो ऊपर बिल्डिंग अच्छी बन जाएगी। अभी हम सारे के सारे जो लगे हुए हैं, या मैं भी उनमें शामिल था, कि हम बिल्डिंग बनाने में लगे हुए हैं, बुनियादें खोदने की हम कोशिश नहीं करते। तो मेरी बस एक ये गुजारिश है आपसे कि आप इसको सोचिएगा, गहराई से सोचिएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। मेरे एक और दोस्त हैं यान रॉबर्ट्स, मैं आपको उससे भी मिलवाऊँगा, उसकी ट्रेनिंग ही यही होती है, वो बेसिक्स फंडामेंटल्स ठीक कराता है। और आप यकीन करें कि जब फंडामेंटल्स ठीक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर की चीज़ें, खुदा की कुदरत जो है ना वो फिर इफेक्ट में आती है। और वो इफेक्ट में आती नहीं है जब तक कि जो है ना मट्टी सॉल्टी होती है ना, उसमें कुछ उगता नहीं। तो हम लोग सॉल्टी मट्टी बने हुए हैं, हम लोग मुश्किल काम है। जैसे फिजिकली आप, मैं आपसे पहली दफ़ा मिला हूँ, मुझे आइडिया तो था आपके इस कैरेक्टर का, लेकिन मिलने के बाद और यकीन हो गया कि आप अंदर से काफ़ी यू नो अच्छे भी हो, दुखी भी हो। तो अल्लाह करे आपके जितने भी जिस्म के रूह के जो मसाइल हैं वो सॉल्व हो जाएं। और मैं भी चाहूँगा आपसे सुनना कि आपको मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा मुझे। पहले कैसे समझते थे और अब कैसे निकले? नहीं, मुझे बहुत मज़ा आया रेहान भाई के साथ। और मेरा अपना शुरू में भी आइडिया ये था और अभी भी है कि पाकिस्तान में काफ़ी इस तरह के अच्छे लोग हैं और जिनकी बहुत डिसेंट अप्रोच होती है लाइफ की तरफ, डिसेंट अप्रोच होती है मसाइल की तरफ। मुझे इनके साथ पूरा आज दिन ट्रैवल, क्योंकि ट्रैवलिंग करने से एक दूसरे को आप समझते हैं, ट्रैवल करने से आपको पता चलता है। ट्रैवलिंग मेरी नज़र में सबसे बड़ी और यूनिवर्सिटी, सबसे महंगी यूनिवर्सिटी भी यही है लेकिन सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी भी यही। तो रेहान भाई के साथ मुझे अच्छी ये चीज़ लगी कि बड़ा एक सॉफ्ट इनका अप्रोच है लाइफ की तरफ, चाहे कोई सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, हर बात को समझते भी हैं, बंदा जैसा भी इनके साथ हो उसके मुताबिक, ये नहीं कि उसको जज करना शुरू कर दें उसके किसी भी एक्शन को। प्लस जो ये काम कर रहे हैं डिसेबल लोगों के लिए, प्लस ये जो काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के लिए, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और मुझे ये फील होता है कि आई थिंक हमारे मुल्क में जब तक कोई मसाले वाली बात ना करे, लोगों का इंटरेस्ट बड़ा उस तरह से डेवलप नहीं होता। तो ये बड़ा एक बड़ा अलमिया है, क्योंकि देखें अगर आप मुझे लिविंग ऑन द एज इस किस्म के शोज़ की ज़्यादा रेटिंग देंगे, ज़्यादा शेयर्स करेंगे, ज़्यादा लाइक्स देंगे, तो मैं और बाकी कंटेंट मेकर्स भी यही कंटेंट बनाएंगे। अब देखें ना, वही बात है जो मैं बहुत दफ़ा कहता हूँ कि अब रमज़ान में इफ्तार के टाइम भी अगर आपने म्यूज़िकल शोज़ देखने हैं तो बस फिर आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप किसी को भी क्लेम कर सकें। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ इनकी उससे रेटिंग आएगी, क्योंकि ऑप्शन है ना आपके पास, रमज़ान आ रहा है, क्यू टी वी देखें, पीस टी वी देखें। रमज़ान में तो चलें सोल के लिए एक एक्सरसाइज का सीज़न है तो उसको करें, वरना अगर नहीं कर रहे तो फिर आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप दूसरे की बुराई पकड़ सकें, दूसरे को कुछ बोल सकें, दूसरे को जज ना करें, दूसरे के ऊपर इन्फोर्स ना करें अपना बिलीफ जो भी है। तो लाइफ बड़ी अच्छी रहेगी। लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया आज रेहान भाई के साथ पूरा दिन गुजार के,
और आज पूरा दिन हमने कोशिश की कुछ ब्लॉग्स वगैरह बनाने के, लेकिन कैमरा मेरा बिल्कुल फ्लॉप हो गया। आज मेरा इंटरनेट नहीं चला, मेरी और चीज़ें नहीं चली, और मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज रेहान भाई के साथ मैं स्नैपचैट और बाकी चीज़ों पर नहीं जा सका। क्योंकि अच्छा, वो डेटा कौन सा यूज़ करते हैं आप जो हर जगह चलता है? बताता हूँ, ये बताइए कि आपकी कोई तवक्कोआत थी मिलने से पहले या नहीं थी? हाँ या ना? नहीं मेरे, और अगर थी तो उसमें पूरा उतरा नहीं? नहीं बिल्कुल आप उतरे हैं। और कोई तवक्कोआत मेरी नज़र में, एक्सपेक्टेशंस में कभी डेवलप नहीं। अच्छा, मेरा दुनिया भर में टक्कर ये, जैसे आज विंसेंट जिसकी गाड़ी हम लेके घूम रहे हैं, इस तरह जो भी बंदा मिलता है ना मुझे, जो मुझे पहली बात ये, या तो मुझे पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए बंदे की तरफ से, जैसी आती है तो मैं फ़ौरन उसे मिल लेता हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो बंदा कहाँ से है, कैसा है। मुझे आपके पास से हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, किस तरह करते हैं, क्यों करते हैं। मुझे पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। मैं दिन नहीं गुजार सकता किसी के साथ भी अंटिल लेस उसके साथ पॉजिटिव वाइब्स की फील लाऊं। असल इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए यही होती है कि ये बंदा पॉजिटिव है लाइफ की तरफ, इसकी अप्रोच। और पॉजिटिविटी का मतलब ये होता है कि भाई मैं अगर पार्टी में जाऊँ या ना जाऊँ, मैं कुछ करूँ या ना करूँ, वो इस बुनियाद पर अगर जज करता है तो इसका मतलब फिर वो पॉजिटिव वाइब्स नहीं रखता। तो दिमाग खुला होना बहुत बड़ी बात है जो आपका है, और जिस तरीके से आप लाइफ को लेके चलते हैं वो एक बड़ी खूबसूरत अप्रोच है। और बहुत ही धीमा लहजा है रेहान भाई का, मुझे बड़ा मज़ा आया कि पूरा दिन मैं बहुत दफ़ा एग्रेसिव भी होता हूँ, बहुत दफ़ा धीमा भी होता हूँ, लेकिन ये हर मसले में नॉर्मल रहते हैं। ये बहुत बड़ा आर्ट है जो मुझे सीखना है इनसे। ये कब सिखा रहे हैं आप मुझे? उपासना करने जा रहे हैं। वो तो कब जा रहे हैं आप? आपकी खबर के इंतजाम कर रहे हैं। नहीं मैं वो हम वो जाके आप बात नहीं कर सकते मुझसे? हाँ, लेकिन वहाँ पाकिस्तान में तो है ही नहीं। नहीं, पाकिस्तान में असल में ये होता है कि हम लोग हशर के दिन भी एक दूसरे की कब्रों में घुस जाएंगे और देखेंगे कि आपके पास कितने बड़े। पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करने पर अपनी बात कर रहे हैं ना? मैं पाकिस्तानी हूँ ना? नहीं है, आप पाकिस्तानी से पहले भी तो इंसान है, अर्थलिंग है, उसकी बात कर रहे हैं। मैं असल में हमारी भाई देखें, टप्पा लगवाया था हम पर। हाँ, हमारी जो आदत है वो ये कि एक दूसरे के अंदर झांकना, तो हम वो झांकेंगे। मैं तो देखूंगा, अपना बताया ना कि मैं तो झांकूंगा आपकी कब्र में क्या हो रहा है। चलें झांक ले, तो आप अपना बताएं कि आप अगर जाएं, अगर आपने पूछा कैसे कब सिखा रहे हैं, तो सीखने के लिए तरीका है जो मैं बता रहा हूँ कि इस पर आप जाएं और उपासना करने जाएं। आपको बहुत पहली दफ़ा देखें, एक बहुत मशहूर किताब है द पावर ऑफ नाउ, पता नहीं आपने पढ़ने का। द पावर ऑफ नाउ का पहला चैप्टर, पहला पेज पे है कि मैं अपने आप से खुश नहीं था। आई वॉज नॉट हैप्पी विद माई सेल्फ। इसका मतलब उसने ये समझाया कि देखो, मैं और मेरा खुद ही, मेरा सेल्फ, आई एंड माई सेल्फ आर टू डिफरेंट थिंग, नॉट द सेम थिंग। हम और हमारा सबकॉन्शियस दो अलग अलग शायद हैं। तो हम अपने आप के साथ कभी टाइम नहीं गुजारते, और जब हम अपने आप के साथ टाइम, हम अपने आप को मसरूफ़ कर लेते हैं, टीवी खोल लेते हैं, कोई जॉगिंग पे चले जाते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी रखते हैं कि दिमाग को मसरूफ़ रखते हैं। तो दिमाग, जब दिमाग मंकी ब्रेन बना होता है ना, खामोशी से बैठ नहीं सकते हम। तो जब हम खामोशी से बैठ नहीं सकते तो अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं, अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं तो दुनिया पर कंट्रोल कैसा आएगा? तो सबसे पहला जो औजार हमारे पास, ताकतवर तरीन औजार है, वो हमारा दिमाग है। उसको तो अपने कंट्रोल में ले लें पहले। जब वो आपके कंट्रोल में आ जाए फिर आप आगे चले। एक सेकंड में हमें गुस्सा आ जाता है, एक सेकंड में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एक सेकंड में हर चीज़ हो जाती है, तो रिएक्टिव है। हमें रिएक्टिव नहीं होना, एक्टिव होना है। हमें करना है लेकिन अपनी मर्जी से करना है, बजाय इसके कि हम दूसरे आदमी की गाली सुन के भागने लगे। तो विपाशना आपको 10 दिन तक ट्रेनिंग देती है, खामोशी से अपने साथ बैठे रहो और टाइम गुजारो उसके साथ, देन यू बिकम कामर पर्सन। अंदर से आपको कंट्रोल मिल जाए, आप कंट्रोल मिल जाता है तो आपको गुस्सा नहीं आता, तो फिर आप चले। जैसे आप कह रहे हैं ना, आप एक ही टोन में बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आपको कंट्रोल लेना है अपने ऊपर। ये ना हो कि मैं आपको एक सेकंड में घुमा दूं। एक सेकंड में घुमा दे, आज हम घूमे जा रहे हैं और हम चले गाड़ी की साइड गए, लेकिन गाड़ी खुद चलती है। चले इसकी भी फ्लैश। चले भाई, अब हम गाड़ी हमारी 101 पे जा रही है, और अभी मैं इसको खुद चला रहा हूँ, ठीक है? फिर इस गाड़ी के ऊपर जब ये ब्राउन साइन, ग्रे साइन आ जाता है, तो हम इसको यूँ कर सकते हैं। अच्छा, क्यों नहीं आई भाई? हाँ, बस
देख लो खींचना है इसको सॉरी. अब ये गाड़ी खुद चल रही है ठीक है, और हम इसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं. हमने 85 पे कर दिया इसको, 90 की मैक्सिमम है. तो मैंने गाड़ी की स्पीड 90 कर दी. अब मैं यूँ आराम से बैठा हूँ, पाँव भी नहीं रखा हुआ, हाथ भी नहीं रखा हुआ, और गाड़ी खुद चल रही है. वाह. और इसका जो प्रॉब्लम है वो ये कि इंसान यानी कि मुझे डर लग रहा है इस तरह करते हुए. अब आगे जो है वो काटी आ गई तो मैंने रोक दी. क्यों काटी आई मुझे नहीं पता, सिर्फ बीच वाली लेन अलाउड है खुली, तो बीच वाली लेन में आ रहे हैं. आ जा खालू. अच्छा दूसरा, आपको कैसी लगी गाड़ी की राइड? मुझे तो बहुत अच्छी लगी. स्मूथ है ना? बहुत स्मूथ है और बहुत कंफर्टेबल. तेज के तो भागती जोर से. तो इसकी जो ज्यादा लोग खुश होते हैं उसकी एक्सेलरेशन पे होते हैं कि 0 to 100 जो है बंदे का मतलब पूरा जिस्म का खून हिल जाता है जिस स्पीड से आगे जाती है. बट जो मुझे इसकी खास बात पसंद है वो ये कि हम इसको मुझे इसको करना नहीं आता सही. अब जैसे ये है ये खुद चल रही है, तो ये अब ट्रैफिक जैम में भी हम अगर हों तो गाड़ी को लगा के छोड़ दें और गाड़ी आगे वाली गाड़ी के हिसाब से चलना शुरू हो जाती है. तो ये नहीं होता कि आप जो है वो आपको टेंशन नहीं है गाड़ी का, कोई एक्सेलेटर नहीं कुछ नहीं, गाड़ी खुद ही चल रही है. अब ये 135 तक की स्पीड तक खुद जाएगी. अब लेन खुल गई है और मैं इसकी लेन चेंज भी कर सकता हूँ. ये बता रहा है कि लेन चेंज अभी ख़तरा है नहीं है, ये वाली लेन बंद है, रेड साइन है, तो हम राइट पर आ सकते हैं. हम लेन चेंज कर ट्राई करते हैं. This is what I love about this car. नहीं कर रही लेन चेंज की वजह, पीछे खुद ही जज कर रही है ना कि पीछे से कुछ हो रहा नहीं रहा, हाथ हो सकता है कि वजह जिससे नहीं कर रही. लेकिन दिमाग कबूल नहीं कर रहा होता ना. हाँ अब ये बार बार ये जो ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब है कि आप हाथ इसके ऊपर रख लें, पकड़ लें इसको. जबरदस्त गाड़ी. हाँ दिस मेरी पहली गाड़ी है जिसको खरीदने का मेरा दिल चाहेगा. अच्छा मैंने गाड़ी खरीदी, वरना कभी मुझे ना गाड़ी का ना घर का मुझे भी कोई शौक नहीं. दूर दूर तक गाड़ी का है. काफ़ी इम्प्रेसिव है. इसका एक आईपैड है और यहीं आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं और यहीं पर फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं. तो आप हाँ दिस इज़ द फ्यूचर. और अगर आप लोगों ने सस्ती गाड़ी लेनी है, ऑटोमेटिक लेनी है, इलेक्ट्रिक लेनी, दिस इज ऑल इलेक्ट्रिक, इसमें कोई पेट्रोल नहीं डलता. अभी हम 221 किलोमीटर और जा सकते हैं. और अगर आप हमारी पुरानी वीडियो निकाल के देखें तो हमने 40 मिनट में इसको फुल चार्ज किया था इसके पावर चार्जर से. तो निसान की लीफ जो गाड़ी है वो 90 किलोमीटर जाती है बगैर एक चार्ज के ऊपर. तो अगर आप कराची के अंदर रहते हैं या छोटे शहर में रहते हैं तो आपको बगैर पेट्रोल के आप सफ़र कर सकते हैं, घर में चार्ज हो जाती है. और दैट इज़ 6,000 तो 6 लाख रुपए प्लस टैक्स. अगर आप जापान में गाड़ी देखते हैं 8 लाख 9 लाख 10 लाख लगा लें. बट फ़ायदा ये कि पेट्रोल नहीं लगेगा, पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगी. और जो निसान की लीफ 2 आई है वो उसमें ये फंक्शन भी है कि वो ऑटोनॉमसली खुद भी चल जाती है गाड़ी. तो ये कि पाकिस्तान में दैनिक 10-12 लाख 25% ड्यूटी हो गई टैक्स कम हो के 25% हो गई है इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर. तो इस बजट के ऊपर लास्ट वीक 50% टैक्स था, अब वो 25% हो गया. इट्स इज़ अ प्रीटी गुड डील अगर लोग नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम 2 लीफ मंगा लूँ अपने लिए कराची के अंदर. तो पहले मुझे एक सवाल करता हूँ अपने तमाम ऐसे लोगों से जो मेरे साथ 1 घंटा गुजारते हैं. तो आपने माशाल्लाह काफ़ी सारे घंटे गुजार दिए मेरे बारे में, तो आपने बता दिया. मुझ में खामी कोई बताइए और मैं उसको बेहतर कैसे कर सकता हूँ अपने अंदर. 3 चीज़ें जो मैं अपने अंदर बेहतरी करूँगा. खामी तो देखें मैं बताने की पोजीशन में नहीं हूँ. क्यों? मैं अभी इतना अच्छा आपको मतलब खामी रूम पर इम्प्रूवमेंट होता है ना खामी, और क्या होता है खामी रूम को इम्प्रूव. नहीं आई डोंट थिंक सो कोई खामी. अच्छा उस तरह से तो कोई खामी नहीं है. देखें कन्वर्सेशनल स्किल्स अच्छी हैं, हर जगह बात करना अच्छा है. खुद ही पाकिस्तानियों में हमें ज़्यादातर ये नहीं होता कि कन्वर्सेशन हम बिल्ड कर सकें, तो वो आप करते हैं और हर किसी से करते हैं, बच्चों से भी करते हैं, और अगर कोई चाइनीज़ मिल जाए उससे भी करते हैं. चाइनीज़ लड़की को ज़रा ज़्यादा टाइम देते हैं आप.
वो मैंने अभी गौर किया, नहीं वो थोड़ी ज़्यादा उम्र की थी, आपने उनसे ज़रा ज़्यादा बात भी की, तो ओवरऑल आई डोंट थिंक सो कोई खामी है। और खामी क्या, खामी कोई नहीं यार, खामी तो कोई भी नहीं है, होगी लेकिन मैंने शायद ऑब्जर्व ना किया। फिर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होता है ना, आप बताएं मैं ये तीन काम करूंगा तो और अच्छा इंसान बनूंगा। ये तीन काम और करेंगे तो अच्छा इंसान, ये तीन काम आपके लिए आई डोंट थिंक सो यार, मेरी नज़र में तो नहीं है रेहान भाई कोई, मैंने उस तरह आपको जज किया है लेकिन आपकी कोई ऐसी चीज़ है नहीं। और आई थिंक आप तैयार हैं अभी पूरी दुनिया को कॉन्कर करने के चक्कर में। कॉन्कर करके क्या करूँ? कॉन्कर का मतलब यही दोस्त बना के, दोस्ती के जिम्रे में कॉन्कर करने की बात है, वो एक अच्छा आइडिया है। हर एक से आप दोस्ती करते हैं, हर एक को इंट्रोडक्शन देते हैं, हर एक को बता रहे होते हैं भाई मैं यहाँ से हूँ, ये बात कर रहा हूँ, इट्स अ रियली गुड थिंग। और मैंने अपने अलावा किसी में ये देखा है अगर तो आप में देखी है, वरना मुझे ये लगता था शायद मैं ही हूँ जो खुद जाके बता रहा था उन लोगों को। बाहर जाता था मैं खुद भाई मैं ये करता हूँ, यूँ करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, आप भी मुझे ज्वाइन करें देखें, वो यहाँ के लोग ज़रा कम होते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो कोई खराबी है, खराबी तो ऐसा मुझे नहीं नज़र आई, अच्छे बहुत ही मज़े के इंसान हैं आप, आपके साथ मतलब पूरा दिन गुजारा जा सकता है। बल्कि मैंने तो आपको बीच में ये भी कहा था कि हमें रोड ट्रिप करनी चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए पूरा यूरोप, पूरी दुनिया। और आप प्लान बनाएं, आपको कैसा लगा मेरा आइडिया, मैंने आपको सजेशन दिया कि आप टूर्स ऑर्गेनाइज करें। हाँ कर सकते हैं टूर्स, कि मेरे साथ अगर कोई ट्रैवल करना चाहते हैं लोग बिल्कुल वो आएं। और लेकिन पहले मुझे एक प्लान बनाना पड़ेगा। आप 4-5 दिन का प्लान बना लेना कि कतर चले चलो, कतर का वीज़ा ख़त्म हो गया है, कतर चले चलो 4 दिन के लिए, और थाईलैंड चले चलो, मलेशिया चले चलो, यहाँ के वीज़ा आसान है, श्रीलंका चले चलो, वो बेसिकली आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो आप अगर जैसे श्रीलंका गए, श्रीलंका गए हैं वैसे, तो श्रीलंका गए तो श्रीलंका में आपने 4 दिन का अगर टूर बनाया तो आप एक दिन कैंडी चले जाओ या 2 दिन कैंडी चले जाओ, वहाँ पहाड़ पे जाओ, वहाँ 2 दिन गुजारो, 2 दिन आप कोलंबो में एक दिन गुजारो या 2 दिन चले जाओ, उनके साथ खाना खर्च करो, उनके साथ ट्रेनिंग कराओ, उनको बोलने का सलीका सिखाएं, उनको दुनियादारी सिखाएं, उनको डिफरेंट टेम्पल्स में ले जाएं, बुद्धिस्ट टेम्पल में लेके जाएंगे तो उनको भी अजीब सा लगेगा, आप साथ होंगे तो चले जाएंगे। लेकिन हमें बहुत सारे वक़ार ज़का छोटे छोटे इसलिए चाहिए कि हमारा बहुत बड़ा मुल्क है, हम 200 मिलियन लोग हैं और हमारे पास सबसे जो महंगी चीज़ है वो इंसान है, उसको हमने जो है डी वैल्यू कर दिया। तो अगर आप वैल्यूएबल इंसान बनाएंगे, वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के जरिए नहीं बनेगा, उसकी अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे कि वो वर्थ इट हो, कि लोग उसके साथ, यानी कि हम एक आदमी से मिलते हैं वो अपनी गाड़ी हमें हाथ में क्यों दे रहा है, मैंने उसको कोई पैसे नहीं दिए, मैंने उसको कोई कुछ नहीं दिया, आई कुड हैव नॉट गिवन हिम एनीथिंग जो उसके पास नहीं है, मैंने सिर्फ उससे अखलाकन प्यार से अच्छे तौर पर बात करी, उसको अच्छा लगा, उसने अपनी गाड़ी उठा के दे दी, 2.25 करोड़ रुपए की गाड़ी है उसकी, पाकिस्तान में तो इससे भी महंगी होगी, उसने हमें हाथ में दे दी, लो चलाओ यार। अभी तक उसने एक मैसेज भी नहीं पूछा कि तुम कहाँ हो, रात के 10 बज रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, मतलब कोई वहाँ हो, खैरियत तो है, सब ठीक है, कुछ तो पूछता हो, कुछ नहीं पूछा अल्लाह के बंदे ने अभी तक, तो दैट्स वियर्ड एंड दैट इज़ व्हाट वी कैन ऑफर टू पीपल, कि हम लोगों को अच्छा इंसान बनना सिखाएं, अखलाक सिखाएं, बातें सिखाएं, और आपके जो आपसे मोहब्बत करते हैं बहुत सारे लोग जेन्युइनली भी करते होंगे, उनको आप लेके जाएं और उनको दिखाएं कि भाई देखो इस तरह भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो मेरा ख्याल है कि लोग बहुत कुछ सीखेंगे आपके आपकी आंखों से, जब वो चीज़ को देखेंगे तो उनको एक अलग पर्सपेक्टिव लाइफ का मिलेगा। और जिस तरीके से आपने बताया कि आप ट्रैवल नहीं करते थे और जब आपने ट्रैवल करना शुरू किया तो अब आपको उसका चस्का लग गया, अब आपको पता है कि इंसान सबसे पता, मेरे ख्याल में तो इंसान अपने आप को जानता है कि अबे यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, हम तो मेरे से पता नहीं, हम तो पता नहीं 30 मार खान है, बाहर निकल के बंदा फिर 30 मार खान होता क्या है। तो दैट इज़ वॉट यू नो पीपल विल गेन, एंड आई एम श्योर इससे ज़्यादा कोई पावरफुल चीज़ नहीं होगी। आप पाकिस्तान के अंदर भी टूर करा सकते हैं, पाकिस्तान के बाहर भी टूर करा सकते हैं, एंड दिस शुड बी यू नो रिवॉर्डिंग फाइनेंशियली फॉर यू, एंड उनको ट्रेनिंग मिलेगी आपके साथ। बिल्कुल सही बात है, नहीं आई डेफिनेटली वर्क ऑन इट, और मैं कुछ इकोनॉमिकल ऐसा करके कुछ एम्बेसी से बात करके, और मैं कोशिश करूंगा कि तो जरूरत ही नहीं है ना, नहीं मैं लेकिन कोशिश करूंगा इनको कम खर्चे में कुछ ऐसा करवा के, ये खर्चा बचाने की जरूरत नहीं है ना, बचाते क्यों खर्चा, क्या खबर में लेके जाएंगे खर्चे को, नहीं फिर इनको
दूसरे मुल्कों में लेके जाएं जहां और कमाएंगे और ले जाएंगे जब अच्छा इंसान बनता है ना 3 किलोमीटर्स एट द इंटरचेंज नोआ पनोडिंगरन यूज द राइट लेन टू फॉलो साइंस फॉर E35 A2 टुवर्ड एम्स्टर्डम तो पैसे खुद बहुत आ रहे थे अब आपने कहा था इसका मंजन क्या है बीच वाली चीज नहीं बता रहे बीच वाली चीज यही है कि ईमान रखें झूठ ना बोलें अच्छे काम करें विजन बड़ा रखें विजन बड़ा रखें लोग हंसे आपके ऊपर आपके विजन को सुनकर अबे पागल हो गया क्या ऐसा थोड़ी होता है वो ये बोलना चाहिए उनको जाके आपको पता चल जाए कि जो गंद है ना वो साफ हो जाए आपके पास वो रोक रहे हैं आपको वो एक्चुअली वो आपको बचाना चाहते लोग समझते हैं कि लोग टांगे खींचते हैं पाकिस्तान मैं ये नहीं समझता मैं समझता हूँ कि लोग पाकिस्तान में बचाना चाहते हैं बहुत मोहब्बत करते हैं बिल्कुल इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो चिपक जाते हैं फिर टांगों से लग जाते हैं भाई मत ले रहे कैसा जिसमें गड़बड़ो हम आप कहते हैं कि आप हमें जान छोड़ दें हमारी जान है ना हमें खतरे में डाल लें तो दैट इज ऑल दिस इट्स हाउ यू लुक एट थिंग्स